राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी ट्रैवलर में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और अभी जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये है छटिका चौराया। ये जो मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, वो होने वाला है वृंदावन से लेके बरसाने तक का। तो बरसाने में मैं आपको जो राधा रानी जी का मंदिर है वो दिखाऊँगा। तो चलते हैं, और आज मौसम बहुत ही अच्छा है तो पूरे सफ़र का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, बने रहना वीडियो में एंड तक। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. बरसाना तक जाने के लिए मथुरा से डायरेक्ट बस भी जाती है, और इसके अलावा ट्रेन भी जाती है मथुरा से। और वृंदावन आने के बाद में वृंदावन से करीब 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पड़ता है, तो डायरेक्टली ऑटो और बस वृंदावन से भी आपको मिल जाते हैं। तो हम जा रहे हैं बाई एक्टिवा, मैं और मेरे दोस्त। रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है वृंदावन से और राधाकुंड वाले रोड से जब आप जाते हो बरसाना के लिए। और अभी हम बीच रास्ते में रुके हुए हैं। यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर समथिंग और बचा हुआ है बरसाना, और टाइम हो रहा है अभी 11:30। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 12 से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो लेट्स सी हम टाइम से पहुँच पाते हैं या इवनिंग के टाइम पर हमारे दर्शन हो पाएंगे। तो चलते हैं और आज के सफ़र का आनंद लेते हैं साथ में। वृंदावन से आने के बाद करीब करीब 10 किलोमीटर आने के बाद में ये एक टर्न है यहाँ से, जो कि बरसाना के लिए रास्ता निकलता है। यहाँ से बोर्ड भी लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के जो रोड होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, इस पर डीग बरसाना और दिल्ली बरसाना यहाँ से 22 किलोमीटर है साथियों। तो चलते हैं, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। सीन कुछ ऐसा है कि बेसिकली हम आए तो थे घर से ऑफिस जाने के लिए, और प्लान बन गया हमारा बरसाना आने के लिए। तो खाना खा के नहीं आए थे घर से। अभी ये मेन रोड है, आप लोग देख रहे हैं, इसके पास में ही हमने अपनी एक्टिवा लगा दी है, और यहाँ पर हम अपना लंच कर रहे हैं आज का। भिंडी की सब्जी है और रोटियाँ हैं, तो ये खाने के बाद सीधा ये रोड पकड़ के हम निकलेंगे यहाँ से बरसाने के लिए। हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ साथियों, और हम पहुंच चुके हैं बरसाना। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहां से बरसाना का सीमा क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। हम चल रहे हैं सीधा राधा रानी जी के मंदिर की तरफ, और बस थोड़ी सी ही दूरी पर रह गया है मंदिर। ये पूरा बाजार है, मंदिर तक जाने के लिए जो रास्ता है उसमें दोनों तरफ ये बाजार आप देख सकते हैं।
साथियों फाइनली हम आ चुके हैं बरसाना और जो मेन टेंपल है अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। एक पहाड़ी पे करीब आप 700-800 मीटर चढ़ के जब आप आते हो तो फिर पहुंचते हो मंदिर की तरफ। पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ ये एरिया है। चल रहे हैं मंदिर की तरफ। फाइनली हम आ पहुंचे हैं राधा रानी जी के मंदिर पर। मौसम बड़ा अच्छा आज हो रहा है। अभी तक हम हर रोज हुआ करते थे श्री धाम वृंदावन में और आज बड़े ही सौभाग्य से हमें ये दिन प्राप्त हुआ है और आज के दिन हम बरसाने में हैं और मंदिर परिसर के भी आपको दर्शन कराएंगे। अभी ये व्यू देखिए आप पूरा। ये जो मंदिर है बेसिकली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी करीब आपके 800-900 मीटर के समथिंग की हाइट है उसकी। वेदर देखिए और यहाँ से पूरे बरसाने का नज़ारा देखिए। फाइनली हम आ चुके हैं बरसाना में और आपको कुछ ही देर में मैं दर्शन कराने वाला हूँ श्री राधा जी के। अब तक आपको जो दर्शन कराता था श्रीधाम वृंदावन के, गोकुल के और गोवर्धन के, मैंने आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड किए थे। आप हमारे चैनल पर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आज के दिन हम आए हैं बरसाना में। बस अब से कुछ ही क्षणों में हम सीधे आपको ले चलते हैं राधा रानी के पास। ये हम आ चुके हैं बरसाना धाम में राधा रानी जी के मंदिर में। अभी दर्शन बंद हैं, 2 से 4 बजे के बीच में बंद रहते हैं साथियों।
साथियों मंदिर परिसर तक आने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला रास्ता है और एक ये है जिसपे अभी हम चल रहे हैं। तो यहाँ तक तो पूरी गाड़ी आ जाती है, जो जिस रास्ते के थ्रू हम आए हैं वहाँ तक आपकी पूरी गाड़ी आ जाएगी, फोर व्हीलर तक। अभी जस्ट रेंज रोवर निकल के गई थी। और एक रास्ता है सीढ़ियों का, जिसमें करीब 200-250 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के आना पड़ता है ऊपर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया राधा रानी जी का मंदिर। और हवा बहुत तेज चल रही है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ब्रज 84 क्रूज से रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रज 84 क्रूज की ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।